नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आलोक चांटिया अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से संगठन के उद्देश्य के फल स्वरूप मानवाधिकार के उन पहलुओं की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं, जिसके आधार पर आप सहजता से यह समझ पाएं कि वास्तव में मानवाधिकार क्या है। जहां पर अधिकार शब्द आ जाता है, आप सापेक्षिक हो जाते हैं, अर्थात आपको किसी से कुछ मांगना है, आपको किसी से कुछ कहना है कि फला चीज़ फला स्थिति आपके जीवन में नहीं है, और जिससे आपको मांगना है वह सरकार है, राज्य है, जिसके माध्यम से मांगना है वह कानून है, न्यायालय है। इसका अर्थ यह है कि मानवाधिकार एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने शरीर अपने अस्तित्व को एक आदर्श स्थिति में पहुंचाने के लिए राज्य से मांग करता है, कानून की सहायता लेता है, न्यायालय की सहायता लेता है। लेकिन क्या मानवाधिकार सिर्फ विधि के आईने में ही परिभाषित किया जाने वाला एक शब्द है? वह कोई भी व्यक्ति, कल मैंने आपको अपने वीडियो में कहा था, आधुनिक नहीं है जिसे मानवाधिकार के प्रति संवेदनशीलता नहीं है, जागरूकता नहीं है। ऐसी स्थिति में मानवाधिकार का हनन और मानवाधिकार वह भी है जब आपके अंदर स्वयं या हीन भावना पैदा हो जाए कि आपको कोई स्वीकार ही नहीं रहा है, आपको स्वयं यह लगने लगे कि आप मानसिक रूप से शारीरिक रूप से एक व्यवस्था के अंदर बीमार महसूस करने लगे हैं, और वह बीमारी इसलिए महसूस करने लगे हैं क्योंकि जिस संविधान जिस कानून पर आपको विश्वास है या था, उसका सहारा लेकर जब आपने अपने जीवन की उन न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ण करने का प्रयास किया, तो वो आवश्यकता पूर्ण होने में लगने चाहिए थे कुछ मिनट कुछ घंटे, लेकिन लगने लगे महीनों और साल। एक राज्य राष्ट्र की कल्पना में लाल फीताशाही में एक आम आदमी उस मकड़ जाल में अपने को इतना फंसा महसूस करने लगता है कि जिस काम को होने में सिर्फ एक दिन लगना था उसमें वह महीनों दौड़ता है, रोज उसमें कोई नया ऑब्जेक्शन लगता है, और वह समझ ही नहीं पाता कि उसने न्याय मांग कर या अपने गरिमापूर्ण जीवन के लिए प्रयास करके सही किया या गलत किया। क्योंकि जिस गरिमापूर्ण जीवन के लिए उसने प्रयास किया है, उससे भी ज़्यादा सोचनीय स्थिति में वो आकर खड़ा हो जाता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ, कोई भी व्यक्ति मकान बनाना चाहता है, मकान बनाने के लिए ज़मीन खरीदना चाहता है। अब जब कोई व्यक्ति ज़मीन खरीदता है तो आजकल फ्री होल्ड ज़मीन खरीदने का भी युग है। आपने किसी व्यक्ति से ज़मीन खरीदी, उसने आपको बेच दिया, उसका स्टाम्प ले लिया आपसे, लेकिन जब तक दाखिल खारिज नहीं हुआ, दाखिल खारिज का मतलब अब जिसने बेचा है उसका नाम कटकर उस ज़मीन के खाते में आपका नाम लिखा जाएगा। लेकिन अगर यह काम दाखिल खारिज वाला समय से नहीं हुआ, तो बहुत सुनने में आता है कि एक व्यक्ति ने कई कई लोगों को ज़मीन बेच दी, दाखिल खारिज में व्यक्ति दौड़ने लगता है, महीनों दौड़ता है। ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति ने मेहनत से पैसा कमाया था, उसका पैसा जब उसे डर लगता है कहीं मर ना जाए, उसकी ज़मीन कोई दूसरे को ना बेच दी जाए, तो क्या आपको नहीं लगता मानसिक रूप से वो कितना परेशान होता है, मानसिक रूप से वह बीमार कितना महसूस करता है, उसका रक्तचाप कितना ज़्यादा बढ़ जाता है, इस तनाव में हो सकता है वह मधुमेह का रोगी हो जाए, उसे हार्ट अटैक हो जाए, और यह सब स्थितियां उसके मानवाधिकार हनन की हैं। क्योंकि जिस स्वास्थ्य को और जिस स्वास्थ्य परक जीवन की कल्पना संविधान के अनुच्छेद 21 में है, उसकी विपरीत स्थितियों में वह रह रहा है, क्योंकि दाखिल खारिज में बहुत समय लगाया जा रहा है। दूसरा, वो मकान बनाता है, बिजली लेना चाहता है, बिजली लेने में वैसे तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 2015 में ही BL फॉर्म खत्म कर दिया है, उसकी जगह पर आप ऑनलाइन भरेंगे, कोई भी सादा कागज़ लगा दीजिए, काम हो जाता है। लेकिन उसी BL फॉर्म के नाम पर आज जब मैं आपसे बात कह रहा हूँ, अभी भी शोषण होता है। BL फॉर्म वह है जब कोई सुपरवाइज़र जाकर यह सुनिश्चित करता है कि हाँ इनका घर बन गया और इनको लाइट दी जानी चाहिए, लेकिन इसी बात को कहने और सुनने के लिए महीनों लग जाते हैं, 11-11 महीने लग जाते हैं, जिसके लिए मैं लड़ रहा हूँ।
कि एक व्यक्ति को लाइट का पंजीकरण होने के बाद 11 महीने से लखनऊ जैसे शहर में लाइट नहीं दी जा रही है। एक तो लाइट नहीं दी जा रही, मानवाधिकार का हनन है, लेकिन इसके साथ जो वह पत्र व्यवहार कर रहा है, रोज अधिकारियों को लिखता है और इस भावना से होता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर निचले स्तर के अधिकारी ने नहीं सुना है तो ऊपर के स्तर के सुनेंगे, ऊपर के स्तर के नहीं सुना तो सबसे ऊपर वाले सुनेंगे, अगर वो नहीं सुनेंगे तो देश के मंत्री सुनेंगे, मंत्रालय सुनेगा। लेकिन जब वह कहीं नहीं इसका उत्तर पाता है, जबकि वह विधिक रूप से सही है, वह न्याय की परिभाषा में सही है, ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति को पहली बार एहसास होता है कि वह लाल फीताशाही में फंस गया है, वह कितना बौना है प्रजातंत्र में, वह संविधान की दृष्टि में नगण्य है, हम भारत के लोग की प्रस्तावना में वह हम जैसे शब्द में कहीं आता ही नहीं है, उस समय वह रात रात सो नहीं पाता, अनिद्रा का पेशेंट हो जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है, हो सकता है कि उसे दूसरी शारीरिक बीमारियाँ हो जाए, मधुमेह हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए। इन चीज़ों को कभी भी मनोवैज्ञानिक रूप से मानवाधिकार के पक्ष में नहीं देखा जाता है, सिर्फ ये देखा जाता है कि बिजली ना देकर मानवाधिकार हनन हो रहा है, या तो एक पक्ष है, उस बिजली को पाने के लिए जो महीनों उसका शोषण हो रहा है शारीरिक मानसिक, जो उसे मानसिक रूप से बीमार किया जा रहा है, शारीरिक रूप से बीमार किया जा रहा है, वह उस बिजली न मिलने वाले मानवाधिकार हनन से भी ज़्यादा गंभीर मानवाधिकार हनन है, और इस पर प्रयास किया जाना ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए हर व्यक्ति को मानवाधिकार को मनोवैज्ञानिक स्तर पर समझने की आवश्यकता है। इसीलिए अखिल भारतीय अधिकार संगठन द्वारा उन मनोवैज्ञानिक पहलुओं को भी मैंने इस वीडियो से बताने का प्रयास किया है, जिससे आसानी से आप समझ सकें कि न्याय की परिभाषा में विधि की परिभाषा से हटकर मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी मानवाधिकार हनन क्या है। यदि आपको यह बात समझ में आती है तो आप इसे दूर तक ले जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग विस्तार में मानवाधिकार को समझ सकें। जय हिंद, जय भारत।